आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ दीपिका। भीलवाड़ा जहाजपुर एसडीएम के ड्राइवर कुलदीप शर्मा की भू माफियाओं द्वारा हत्या के मामले को लेकर अलवर जिले में 17 उपखंडों पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें बांसू क्षेत्र में अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद के जिला अध्यक्ष मनोज जोशी के नेतृत्व में बांसू तहसीलदार जगदीश प्रसाद बेरवा को मुख्यमंत्री महोदय के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कुलदीप शर्मा को शहीद का दर्जा दिया जाए, एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाए, सभी राजकीय लाभ पीड़ित को मिले व इसके निष्पक्ष जांच और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। इस मौके पर आकाश मिश्रा अध्यक्ष युवा ब्राह्मण सभा, एडवोकेट विकास जोशी भाजपा नेता, रजनी पुरोहित उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बांसुरु, एडवोकेट लोकेश शर्मा, मनोज शर्मा आदि मौजूद रहे। और भीलवाड़ा के जाजपुर में उनकी एक बजरी माफिया को बचाने के चक्कर में और उनकी हत्या हो गई, उसी के संदर्भ में 10 जून को हमने ज्ञापन सौंपा अलवर एसडीएम को, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमने 17 उपखंड में पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी तहसील्स हैं उसमें हमने ब्राह्मण समाज की तरफ से युवा कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के और हमने ज्ञापन सौंपा है। इसी संदर्भ में आज हम यहाँ पर 1 करोड़ मुआवजा सरकारी नौकरी हमारे कुलदीप शर्मा को मिले, इसी के उपलक्ष्य में तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है और हम मांग करते हैं कि मांग जल्दी जल्दी सरकार इस तरफ से सुनवाई करें। हम रजनीश कुमार परोज जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी तो बड़ी दुखद घटना है कि जिस प्रकार से लापरवाही से ये बजरी माफिया लोगों ने उस कुलदीप की निर्मम हत्या की है एक तरीके से, और बड़ा दुख और बड़ा सोच है कि इस मामले को लेकर आज इसी वजह से हम सभी ब्राह्मण परिषद सभा के तहसील अध्यक्ष विकास जोशी जी वगैरह सभी युवा नेता मिलकर आज तहसीलदार जी को ये ज्ञापन दिया है कि कुलदीप शर्मा के साथ न्याय हो, कुलदीप शर्मा के परिवार के साथ न्याय हो। वो बिल्कुल युवा अवस्था में उनके साथ ये आकस्मिक घटना हुई और जिसमें उनका देहांत हो गया, तो उनको लगभग 1 करोड़ का मुआवजा सरकार दे ताकि उनका परिवार थोड़ा किसी तरीके से अपने आप